हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन स्टडी। तो जैसा कि आपने देखा होगा, हम अकाउंट असिस्टेंट का क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स दूंगा रिगार्डिंग दिस। प्लस आप में से बहुत सारे लोग नए होंगे चैनल पे, तो आप लोगों को मैं अवेयर कर देता हूँ कि हमारे चैनल पे क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट का सारा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। जो थोड़े टॉपिक्स बच गए हैं वो नेक्स्ट अपकमिंग वीक में कम्प्लीट हो जाएंगे। प्लस हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर्स डाल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के हम 10 से 15 एक्सपेक्टेड पेपर जरूर डालेंगे, ताकि आप लोगों को कहीं भी पैसे खर्चने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़े। बस एक चीज़ मैं आपके नोटिस में ज़रूर लेकर आऊँगा, हमने क्लास फोर्थ का सिलेबस 28 जून को शुरू किया था। ऑलमोस्ट एक महीने के अंदर अंदर हमने 95% सिलेबस कम्प्लीट कर दिया है। रीज़न ये है कि हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे को एक्स्ट्रा स्टफ करके दे दें, ताकि बच्चा वो रिटेन भी ना कर पाए। जितना एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वीडियोस चलती रहेंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ इस वीडियो में मैं क्लास फोर्थ रिक्रूटमेंट की सिलेबस के बारे में भी डिस्कशन करूँगा, जो कंप्लीट हो चुका है और जितना थोड़ा सा पेंडिंग है उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले जो मेन टाइटल है हमारे पास इस वीडियो का, अकाउंट असिस्टेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हमें अकाउंट असिस्टेंट के बारे में बहुत सारे मैसेज आए हैं कि हम इसका कोर्स कम्प्लीट करवाएं हमारे चैनल पर। पूरी टीम को बहुत सारे मैसेजेस के रिप्लाई करने पड़े हैं, लेकिन हमारा एक रूल था, हमने कहा कि पहले हम एक पेपर का पूरा पैटर्न, पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद नेक्स्ट पेपर पे मूव करेंगे। और इसी वजह से पहले हमारा फोकस क्लास फोर्थ पे था, अब हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा अकाउंट असिस्टेंट पे। कब से बात शुरू हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, सब ये बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले, आप में से बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स का मतलब समझते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली हम लोग आपके लिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में कंटेंट ला रहे हैं, जिसमें हम MCQs, वन लाइनर्स प्लस PDF एंड क्विजेस, ये सब प्रोवाइड करेंगे। क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी होता है, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो नीचे टेलीग्राम चैनल पे लिंक पे क्लिक करके उनको विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं क्विजेस के बारे में। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस कवर करवा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं पर्सनली आपको खुद ही कहूँगा कि आप हर जगह से पढ़िए, जिसका आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरा ये मोटिव है कि आपकी जॉब लगनी चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। बाकी मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ मेरे चैनल से पढ़िए और कहीं से ना पढ़िए, आप हर जगह से पढ़िए। एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, आप जहाँ मर्जी से लीजिए इसको। अच्छा, अब बात आती है कंटेंट के बारे में। पर्सनली जो मैंने ये फील किया है कि यार, बहुत सारे चैनल्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंटेंट स्टफ करते जा रहे हैं। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा पढ़ेगा नेचुरली, लेकिन कितना रिटेन कर पाएगा यार। आपको क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे ध्यान देना है। मैं जो क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ, इसमें लिमिटेड कंटेंट होगा, आपको 15-20 वीडियोस MCQs या वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगी, जिसको आपको याद करना है और उसको अपने दिमाग में रखना है। देखो, बहुत सारा कंटेंट मिलना सही भी नहीं होता, आपको लिमिटेड कंटेंट अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि याद आप ज़्यादा नहीं रख सकते इन दी एंड ऑफ द डे। तो इसीलिए कौन स्टडी की टीम ने डिसाइड किया है कि हम आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में वीडियोज़ और PDF प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिखा है, हाउ टू एनरोल। तो एनरोल करने का बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जो सब्सक्राइब के साथ आपका बस बेल आइकन का बटन है। जब आप उसको क्लिक करते हैं तो तीन ऑप्शन आते हैं आपके पास, पर्सनलाइज्ड, ऑल या नन। आपने ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जब हम अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस शुरू करें, जो कि अपकमिंग वीक में करने वाले हैं, आपको साथ ही साथ वीडियोस मिलती रहें। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैं बार बार स्ट्रेस देता हूँ कि आप बेल आइकन को क्लिक करिए। रीज़न ये है कि जो भी हम लेक्चर डालते हैं उसका शाम को क्विज करते हैं। अगर आप लेक्चर बाद में देख रहे हैं तो आपका क्विज भी मिस हो जाएगा। क्विज एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है आपके पास, कि आप सारी वीडियो देखें और उसको याद रख पाएं, और क्विज में देख पाएं कि आपको वो एक्चुअली याद हुआ है या नहीं। और सेकंड क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ कोर्स। मैंने आपको पहले भी बोला था, कौन स्टडी हमेशा आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेगा, इसलिए कॉस्ट ऑफ कोर्स इसकी भी ज़ीरो है। हमेशा कोई भी कोर्स हम अवेलेबल करेंगे आपके लिए, कभी भी उसके लिए चार्ज नहीं करेंगे। हम एजुकेशन को फ्री करना चाहते हैं, और यही हमारा प्राइमरी मोटिव है यहाँ पर। और हमारी जो सैलरी है वो आपकी ब्लेसिंग्स में ही है। बस मेक श्योर करिए कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ताकि ये कंटेंट आपको मिल पाए, दैट्स इट। बाकी आप देख रहे हैं कि क्रैश कोर्स 30 डेज का होगा, तो ये 30 डेज में कवर हो जाएगा कम्प्लीटली। ऐसा नहीं होगा कि हम इसको एक्सटेंड करते रहेंगे, खींचते रहेंगे। मैंने देखा है वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं तो चैनल डालते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा।
ये कोर्स प्रॉपर होगा, जितने दिन लिखे हैं उतने दिन में ख़त्म होगा और उतना ही कंटेंट आपको याद करना होगा, इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं आपके दिमाग में डालेंगे। प्लस इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट की सिलेबस के बारे में भी अवेयर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे नए हैं चैनल पर, उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ से शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि हम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम एक्सपेक्टेड पेपर दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप शुरू से शुरू करके और फिर ही एक्सपेक्टेड पेपर पर जाइए, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ सिलेबस के बारे में क्लास फोर्थ की। बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के बारे में, तो परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एजेस, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ये जो सारे टॉपिक है ये नितिन सर आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। LCM, HCF, मेंसुरेशन और एवरेज, ये सब विशाल सर ने करवा दिया है। तो मैथ्स आपका कम्प्लीटली कवर हो चुका है, 100% सिलेबस इसका कवर हो चुका है। इसके ऊपर जो एक्सपेक्टेड पेपर है वो विशाल सर और नितिन सर दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं और वो इस पर वीडियोस बनाएंगे आगे। बात करें अब रीजनिंग सेक्शन के बारे में, तो एनालॉजीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, फिगर आउट वन आउट, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये जितने भी टॉपिक हैं सारे नितिन सर प्लस गोमिनी मैम ने कवर कर दिए हैं। एंड इनफैक्ट गोमिनी मैम आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर्स भी बना रहे हैं। अभी तक आई गेस उन्होंने 3 वीडियोस डाल भी दी हुई हैं एक्सपेक्टेड पेपर की, जिनकी PDF टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। बात करते हैं अब जनरल अवेयरनेस सेक्शन के बारे में, तो ये जो पूरा सिलेबस है इसमें से 1-2 टॉपिक्स अभी भी पेंडिंग है जो कि हम अपकमिंग वीक में करवा देंगे। जैसे कि बात करते हो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, तो 6 लेक्चर्स में श्रद्धा मैम ने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवाई है। JN की ज्योग्राफी मैंने खुद 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दी है। 3rd नंबर पे इंडियन हिस्ट्री है जो कि श्रद्धा मैम ने शुरू कर दी है, एंड JN की हिस्ट्री जो कि अभिषेक सर करवा चुके हैं। जो टॉपिक्स बचे हैं यहाँ पे वो इंडियन कल्चर और JN की कल्चर है जो कि जल्दी हो जाएगा। स्पोर्ट्स के टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस डाल चुका हूँ, 1 वीडियो और आएगी और स्पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। कैपिटल एंड स्टेज, श्रद्धा मैम ने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ही कैपिटल एंड स्टेज की डिस्कशन की हुई है। एंड एक चीज बचती है करंट अफेयर्स, जो कि मैं कंपाइल 3 वीडियोज डालूंगा पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स की, इंपॉर्टेंट। अच्छा, लास्ट आ गया जनरल साइंस, जो कि अभिषेक सर आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर के लिए, और इस वजह से मैंने बहुत ही स्ट्रेस दिया है इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। हमने बहुत सारी क्विज ऑलरेडी करवाए हैं और हम और भी करवाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और हम क्या करते हैं, जो भी क्विज करवाते हैं, जो भी टॉप 20 की लिस्ट होती है उस क्विज के रिजल्ट की, वो हम इंस्टाग्राम पेज पर भी शेयर करते हैं ताकि आप सब मोटिवेट हों और क्विज और बेहतरीन तरीके से पढ़ के अच्छी तरह दे सकें। एंड में बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पे टोटल 9 चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आर्टिकल, सिनोनियम, एंटोनियम, प्रेपोजिशन, वर्ब्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिटरमाइनर, सेंटेंसेस एंड स्पेलिंग। ये बहुत ही सिंपल सिलेबस है, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हम इसको भी खुद करवाएंगे आपको, ये भी आपके लिए नहीं छोड़ेंगे। ये अपकमिंग 1 या 2 वीक में कम्प्लीट करवा दिया जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली हम इसी वीक में शुरू कर देंगे, अपकमिंग वीक जो आ रहा है इसमें ही सिलेबस को शुरू कर देंगे। तो आपने इसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस कोशिश ये करिएगा कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो जिस दिन डल रही है आप उसी टाइम देख सकें, ताकि आपकी कोई भी सिलेबस पीछे पेंडिंग ना रह जाए। तो इस वीडियो से इतना ही, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।